हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें, क्योंकि हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियोस देख देख के ड्राइविंग सीख रहे हैं, जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। हालांकि बच्चे बहुत दूर दूर से मेरे पास आते हैं, दिल्ली, मुंबई, बिहार, झारखंड से, मैं सभी की वीडियो अपडेट करता हूं। तो मेरा मानना है कि अगर 10 से 20 डेज अगर हम वीडियोस देखते हैं और एक अच्छा ट्रेनर आपको मिल जाए तो आप कोई भी कार चला सकते हैं। टू व्हीलर से कार चलाना आसान है। तो इसी तरीके से एक जीता जागता एग्जाम्पल है, मैं उन्हीं से आपको बात कराता हूं और उन्होंने मेरे पास कितने दिन गाड़ी सीखी और आज वो कौन सी कार चलाने आई हैं और क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? ज़ेबा खातून। ओके, और आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? आपसे। मेरे से? कौन सी कार से सीखा आपने? इंडिका? नहीं, सेंट्रो थी। देवी जी, 12 दिन गाड़ी सीखी और आपको यही नहीं पता थी, बेइज्जती कर दी आपने। हुंडई वालों को पता चल गया तो गाड़ी ले जाएंगे मेरे से, टाटा इंडिका। और तो आपने हुंडई की सेंट्रो से सीखा, पावर स्टीयरिंग पेट्रोल गाड़ी, ठीक है। उसका इंजन 4 सिलेंडर का होता है, 1100 सीसी का है। ये जेन है आपकी, माइनर जेन है मारुति की, इसका 1000 सीसी का इंजन होता है। इंजन इसका भी पावरफुल है। तो आपने 10 से 12 डेज सीखा, तो आज मैं देखना चाहता हूं कि आपने क्या सीखा है। बहुत सारे लोग मेरे चैनल्स को फॉलो करती, मेल फीमेल हर तरीके के लोग, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि आपको मैंने क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया। तो इस गाड़ी को आज आपको चलाना और करना क्या है, ये पेड़ और वो पेड़ आपको 8 बनाना है, अंग्रेजी के 8 बनाने, समझ गए? है ना? तो 8 बनाना, यहाँ पे एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट गियर में कार को आपको चलाना है, पहले आपको फ्रंट में 8 बनाना, फिर रिवर्स में 8 बनाना। तो चलिए कंटिन्यू, स्टार्ट करिए फटाफट जल्दी से, और जैसे जैसे सारी चीजें करते हैं वैसे वैसे करना है आपको। बैठ जाइए, अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। सीट अपनी आपकी ऑलरेडी एडजस्ट ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाइट के हिसाब से। हाँ, सीट बेल्ट लगा लीजिए और मुस्कुराते हुए हो गया। क्लच को 2 से 3 बार दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका पैर प्रॉपर गुड, ठीक है। चलो क्लच दबा के इंजन ऑन करो। राइट वाला पैर जीबाजी ब्रेक पे होना चाहिए। जब भी हम कार का इंजन ऑन कर रहे हो उस टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना इसलिए जरूरी है कि अगर गाड़ी ढलान उलान पे होगी, गियर में है, तो गाड़ी खिसकने लगती है। अभी क्लच दबा के इंजन ऑन करिए, पहले इग्निशन ऑन करिए, फिर अब इंजन ऑन करिए। ऑन करिए, हो गया। अब देखो डिस्प्ले में कोई लाइट तो नहीं आ रही है? नहीं। अगर लाइट कोई आए, जैसे हैंड ब्रेक की लाइट आ जाए तो इसका मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अगर हैंड ब्रेक की लाइट नहीं आ रही तो हैंड ब्रेक डाउन है। अभी हैंड ब्रेक देखो आपका डाउन है। अगर हैंड ब्रेक ऊपर उठाइए, अब देखो लाइट आ गई हैंड ब्रेक की, ये देखो रेड कलर की लाइट आ रही है। अब उसको अनलॉक कर दो, डाउन कर दो, लाइट गई, ठीक है। ये टेम्परेचर मीटर होता है, जो उधर नीडल दिख रही है वो हाफ है। अगर वो हाई की तरफ जा रही तो इसका मतलब इंजन हीट कर रहा है। ये आपका फ्यूल टैंक है, इधर वाला बीच वाला स्पीड मीटर है। अब आपको करना क्या है, इसको डालना है फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर में डालना है और हाफ क्लच छोड़ना। राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा पर ब्रेक दबा के मत रखो, ब्रेक दबा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इन दोनों पेड़ों में से 8 बनाना है। चलो जाओ धीरे धीरे, बहुत प्यार से, एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं, बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलेगी। पूरा क्लच मत छोड़ना, थोड़े से क्लच पे गाड़ी को रिंगाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाने दो धीरे धीरे, 10 बार आपको 8 बनाना है, कम से कम 10 राउंड लेफ्ट से, 10 राउंड अपोजिट साइड से। तो दोस्तों अक्सर होता है क्या है ना, कि जो न्यू लोग होते हैं वो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी से तो गाड़ी सीख जाते हैं क्योंकि उसमें डबल क्लच ब्रेक होता है, लेकिन जो एक्चुअल चलाना है उनको अपनी गाड़ी, हर गाड़ी का क्लच पैटर्न थोड़ा, किसी का क्लच का पैंडल हाइट पे है, किसी का डाउन है, जैसे वैगनार का थोड़ा ऊंचाई पे, सेंट्रो का थोड़ा डाउन है, जेन का और ज्यादा डाउन है। तो क्लच का जो पैटर्न होता है ना, क्लच को किस एंगल से हमें दबाना है, टो से यूज करना, कुछ लोग तलवे से यूज करते हैं, कुछ लोग एंडी को उठा के करते हैं। तो लास्ट के जो 3-4 डेज होते हैं वो स्टूडेंट को मैं स्टूडेंट की ही गाड़ी से कराता हूँ, ताकि जो उसके डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए। तो इसलिए जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जिनके पास अपनी पर्सनल कार है, तो मैं उनके लास्ट के 3-4 डेज में उनसे करवाता हूँ। तो हालांकि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है इनका, क्योंकि इन्होंने मेरे से 10 से 12 डेज ड्राइविंग सीखी है और मोस्टली मैंने इनको सिंगल रोड पे कार चलवाई है,
और जो गाड़ी ये अभी चला रही है आप इनकी गाड़ी की सिचुएशन से, गाड़ी को उठाने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनको मैंने क्लच और ब्रेक की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दी है। हाफ क्लच पे गाड़ी को रोकना, फुल क्लच पे गाड़ी को चलाना, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर, इन सारी चीजों पे मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई है। क्योंकि मोस्टली मेरा क्या रहता है, जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं मैं उनको फर्स्ट और सेकंड गियर में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलवाता हूं और रिवर्स गियर में, क्योंकि आपको ट्रैफिक में अगर कार को चलाना तो फर्स्ट गियर में चलाएंगे, सेकंड गियर में, हाईवे वगैरह के लिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर होता है, लेकिन अगर आपको गली में चलाना है, किसी सिंगल रोड के ट्रैफिक में चलना, तो फर्स्ट एंड सेकंड गियर ही होता है। वहां पे क्या है कि अगर आपको फर्स्ट गियर में कार को उठाते वक्त क्लच का अंदाजा नहीं है तो कार का इंजन बुझ जाएगा, और अगर आप कार को रोक के वापस फर्स्ट गियर में मूव कर रहे हैं तो कार का इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि क्लच का बहुत बड़ा रोल होता, क्लच को इक्वल प्रेशर से यूज करना होता है। अब जैसे कि ये रोक बढ़ा रही है, चला रही है, अभी स्टॉप कर लो गाड़ी, जीबा जी गाड़ी स्टॉप कर लो, वेरी गुड। अब आपको कम से कम एट बन गया ना आपका, अब आपको इस गाड़ी को कम से कम 10 बार बढ़ाना रोकना है, जैसे मतलब सीधा सीधा ले जाना है, ऐसे लेके जाओ, अभी बढ़ाना, फिर रोकना, फिर बढ़ाना, फिर उस पेड़ के पीछे से ऐसे घूम के आ जाना, ठीक है। मतलब नॉर्मली जैसे सपोज करो कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है, 2 मीटर गाड़ी बढ़ी, क्लच दबाया, ब्रेक झटके से नहीं लगना चाहिए, बहुत इक्वल प्रेशर, ठीक है। चलो एक्सेलेटर की कोई जरूरत नहीं है, बहुत गाड़ी छोटी पर इंजन इसका बहुत पावरफुल है। जैसे नॉर्मल आप ये सोचो कि जाम लगा हुआ है, वेरी गुड। चलो फिर बढ़ाते रहो कम से कम 5 से 10 बार, बंद हो गई, इसलिए क्योंकि आपने झटके से क्लच इस बार छोड़ दिया, इसलिए इंजन बंद हो गया। इंजन नहीं बंद होना चाहिए, और ये मैं क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि जब आप जाम में गाड़ी चलाओगी और अगर इस तरीके से गाड़ी बंद होगी, पीछे वाले इतना हॉर्न देंगे आपको कि आप पैनिक हो जाओगी, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दोगी। और अगर आपको लग रहा है ना, तो हल्का सा, जैसे कई बार क्या होता है प्लेन रोड नहीं है, हल्का सा टायर ऊपर नीचे, तो हल्का सा उसके साथ आप एक्सीलेटर ले सकती हो, हाफ क्लच के साथ हल्का एक्सीलेटर ले सकती हो, हल्का सा, एकदम सीधा सीधा जाना है, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी नहीं करनी है। फिर झटके से आपने छोड़ा, अब आंखें मत बनो, बंद करो डोरीमोन की तरह, समझ गए, स्टीयरिंग पकड़ो, जान एकदम सीधी रखो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, एकदम सीधी रखो, हाँ। इसको बोलते हैं बम्फर टू बम्फर कार को चलाना, है ना, हाफ क्लच पे कार को मूव करना, वापस स्टॉप करना, मूव करना, वापस स्टॉप करना, यहाँ ब्रेक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर आप क्लच पे ही गाड़ी को उठाना, क्लच पे ही रोकना, एडी आपकी जीबा जी उठनी नहीं चाहिए, जाने दो, क्लच दबा लो रुक जाएगी, सिर्फ क्लच दबाओ ब्रेक नहीं, रुक गई फिर क्लच छोड़ो, फिर क्लच छोड़ो, जाने दो धीरे धीरे, खिसकने दो और जाने दो, थोड़ा सा एक बार और आगे लेके जाओ, और जाओ और जाओ और जाओ, स्टॉप कर लो, गुड। अब क्लच दबा के गियर को न्यूट्रल करके रिवर्स गियर डालो, पहले न्यूट्रल करो, हाँ मुझे मत देखा करो मैडम, हो गया, अब खींचो अपनी तरफ पूरा, हाँ पीछे डालो, हो गया बैक गियर, चलो देखो आपके हस्बैंड का कॉल आ रहा है दुबई से, वीडियो कॉल पे इनको दिखा दो कि कैसे चला रही हो। चलो अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM दोनों चेक करो, लेफ्ट और राइट वाले दोनों, सीधा सीधा जाना है, सीधा सीधा, गुड, स्टॉप कर लो, फिर वापस मूव करो, दोनों मिरर चेक करने हैं, ठीक है। अब इस पेड़ का आपको जीरो बनाना है रिवर्स में, इस पेड़ का गोला बनाना है रिवर्स में, चलो जाओ, जाने दो जाने दो जाने दो, गुड गुड। अब लेफ्ट घुमाओ स्टीयरिंग, और घुमाओ, और बस इससे ज्यादा नहीं, बस इतनी घूमी रहने दो, इतनी ही बस, बस इससे ज्यादा मत घुमाना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, चलते रहो धीरे धीरे,
गजब। आने दो धीरे धीरे। अब मेरी तरफ ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। अब राइट घुमाओ स्टीयरिंग जल्दी जल्दी। हाँ बस जाओ, बस पूरी नहीं, बस वैसा। हाँ बस गुड, राइट घुमाओ, राइट घुमाओ और घुमाओ। चलो आने दो आने दो। अब इसका पूरा जीरो बनाना है। पूरी एक राउंड मारो, घुमाओ। सीधी करो फिर घुमाओ, थोड़ा पीछे जाओ, सीधा सीधा जाओ पीछे। बंद हो गई, वापस स्टार्ट करो। गुड, अब घुमा दो। हाँ वेरी गुड। अब एट बनाना है, अब इस वाले पेड़ पे लेके आना है रिवर्स में ही। अब लेफ्ट वाला शीशा देखो, लेफ्ट घुमाओ धीरे धीरे, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ अब इसका सर्कल बनाना, चलो गुड। लेफ्ट घुमाओ, राइट घुमाओ, राइट राइट राइट। सीधी कर लो। घुमाओ फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट, पूरी घुमाओ, पूरी फुल फुल फुल। चलो अब पहला गियर डाल के आगे कर लो। अब यहां पे लेके आओ मेरे पास।